गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा, आई एम ए कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज मैं कंप्यूटर में आपको चैप्टर 6 फन विद पेंट पढ़ा रही हूँ। आपको मैंने ये कल भी रीड करवाया था फर्स्ट पेज इसका। चलिए एक बार पहले हम देख लेते कि हमने पढ़ा क्या था, उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है फन विद पेंट। ओके, इन्जॉय से, मज़े से पेंट करना, मज़े के साथ पेंट करना। तो कंप्यूटर में क्या होता है, बच्चों को जब कंप्यूटर सीखना होता है तो उनको उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है गेम खेलने में और पेंट करने में। ओके, तो चलिए आज हम उसमें पेंटिंग करना सिखाते हैं कि कैसे पेंट करते हैं। फर्स्ट लाइन आपकी थी व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या होता है। तो हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में क्या बताया था, माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ अ फन प्रोग्राम which you can use to draw and color anything you like। तो Microsoft Paint में आप, यह एक fun program होता है, एक मज़े का program होता है जिसकी help से, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, drawing कर सकते हैं, color कर सकते हैं। आपको कुछ भी draw करना है आप उसको draw कर सकते हो और उसमें color कर सकते हैं। Okay, चलिए let us begin by learning how to start paint। चलिए आपको अब हम सिखाते हैं कैसे पेंट करना है, हाउ टू स्टार्ट पेंट। पेंट करने के लिए कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं पेंट करना। सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन करते हैं। पहले हमें स्टार्ट का बटन क्लिक करना होता है। चूज द विंडो एसेसरीज फोल्डर, आपको विंडो एसेसरीज का फोल्डर चूज करना है। देखिए ये हमारी विंडो की एसेसरीज हैं। ओके, क्लिक ऑन द पेंट। अब आपको इसमें से पेंट को ढूंढकर उसको क्लिक करना है। तो इसमें हम ढूंढेंगे, ये पेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी पेंट नहीं है, ये भी पेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पेंट है, PAINT पेंट। आपको इसको देखना है और इस पर क्लिक करना है। देखिए हमारा थर्ड स्टेप है क्लिक ऑन द पेंट। तो हमें इसकी तरफ यहाँ पर क्लिक करना है, एरो को ले जाना है माउस के और यहाँ पर क्लिक कर देना है। द पेंट विंडो विल अपीयर, जो पेंट विंडो है वो क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, खुल जाएगी, आपको दिख जाएगी। इसका दूसरा स्टेप भी है, अगर आपको पेंट को खोलना है तो क्या करेंगे हम, यू कैन आल्सो ओपन पेंट बाय टाइपिंग पेंट इन द सर्च बॉक्स नेक्स्ट स्टार्ट बटन देन क्लिक ऑन द पेंट बटन। तो आपको यहाँ क्या बताया गया है कि जब आप स्टार्ट का बटन दबाते हो उसके बाद यहाँ पर जो सर्च आता है वहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो पेंट। पेंट को यहाँ पर टाइप कर सकते हो PAINT। और पेंट टाइप करने के बाद जब आप सर्च करोगे तो आपका पेंट बटन, पेंट आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे, आपका पेंट बटन से आपका क्या ओपन हो जाएगा, पेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा विंडो पर। ओके, जब पेंट बटन आएगा आप उसको क्लिक करोगे तो आपका पेंट वाला पेज विंडो पर ओपन हो जाएगा। चलिए कैसा पेज था देखते हैं। तो जो हमारा पेंट वाला पेज है वो ये होता है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी शेप्स हैं, यहाँ पर देखिए पेंसिल, कलर, इरेजर, ब्रशेस, सर्च का ऑप्शन, ये सब दिया जाता है। तो ये हमारा पेंट वाला पेज है। ओके, जिस पर आपको यहाँ पर पेंटिंग करनी होती है। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको यहाँ ऊपर दे रखे हैं बेटा, इनको बोलते हैं टूल्स। तो ये टूल कौन कौन से हैं ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो आज उन टूल्स में हम फर्स्ट टूल क्या पढ़ रहे हैं, टूल्स इन अ पेंट। टूल्स इन अ पेंट में फर्स्ट टूल हमारा पेंसिल टूल है। टूल्स इन अ पेंट, देयर आर वेरियस टूल्स इन पेंट टू ड्रॉ एंड कलर। ड्राइंग करने के लिए, कलर करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं कंप्यूटर में। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिफरेंट टूल्स इन पेंट। चलिए अब हम डिफरेंट तरह के टूल्स के बारे में जानते हैं, सीखते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल, पेंसिल से आपको पता चल गया कि पेंसिल के बारे में बताया जाएगा। तो पेंसिल टूल, द पेंसिल टूल इज़ यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग। पेंसिल टूल का यूज़ फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए किया जाता है। तो ये बात सभी को पता है कि आप लोग पेंसिल का यूज़ करते हो और इस पेंसिल से आप अपनी कॉपी में कैसी भी ड्राइंग बना सकते हो। ओके, तो फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए पेंसिल टूल का यूज़ किया जाता है।
सबसे पहले क्या करते हैं, क्लिक ऑन द पेंसिल टूल इन द टूल ग्रुप। आपको टूल ग्रुप में जाकर पेंसिल टूल पर क्लिक करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे टूल्स हैं, ये हमारे टूल्स हैं जिसमें ये हमारा पेंसिल टूल है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ओके, सेकंड स्टेप, क्लिक द साइज एंड सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ लाइन। अब आप क्या करोगे, साइज को क्लिक करोगे, इसका साइज क्या है। जब आप पेंसिल टूल में से पेंसिल को क्लिक करते हो उसके बाद आप साइज देखते हो। आप भी अपनी पेंसिल जब लेते हो कॉपी में लिखना होता है तो आप देखते हो कि पेंसिल अरे मोटी है तो आप उसको शार्प करते हो, उसको पतला करते हो, अगर ज़्यादा पतली लगती है तो आप आगे से उसको घिस देते हो कि वो थोड़ी सी मोटी हो जाए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर साइज लेना होता है ड्राइंग में। क्लिक द साइज एंड सिलेक्ट द थिकनेस ऑफ द लाइन, आपको लाइन की थिकनेस के हिसाब से साइज चेक करना होता है। तो सिलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस फॉर द कलर ग्रुप, फिर आप कलर में जाके कलर ग्रुप में से आप चॉइस कलर की चॉइस लेती है, आप जो कलर चॉइस करना चाहते हो, चूज करना चाहते हो, उस कलर को आप सिलेक्ट करते हो। आपको जिस कलर की पेंसिल चाहिए होती है आप उस कलर को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। नाउ प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। फिर आप लेफ्ट माउस बटन को अपने हाथ में होल्ड कर कर उस माउस को आप वहाँ पर ड्रैग करते हो, घुमाते हो। आप जिस शेप में उसको घुमाओगे आपकी ड्राइंग उसी शेप की होगी। अगर आप सर्कल शेप में घुमाओगे तो वो सर्कल बनेगा, आप ट्रायंगल शेप में ऐसे घुमाओगे तो वो ट्रायंगल होगा। तो आप जैसे उसको ड्रैग करोगे माउस को आपको उसी तरह की आकृति मतलब शेप साइज मिलेगा। ओके, तो ये मैंने आपको पेंसिल टूल का रूल बताया कि पेंसिल टूल का यूज़ हम कैसे करते हैं। एक बार आप उसको कंप्यूटर पे ट्राई करो अपने घर में तो आपको करना आ जाएगा। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, सभी बच्चे इसको रीड करेंगे, इसको समझेंगे। अगर आपके घर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसको एक बार उस पर करके देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।